हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका करियर फिजिकल एकेडमी में। और दोस्तों ये वीडियो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों रेलवे की जो वैकेंसी है दोस्तों उसकी महत्वपूर्ण तारीख नज़दीक आ गई है दोस्तों परीक्षा के लिए। तो दोस्तों उसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आ चुकी है, तो मैंने सोचा आपको इससे अवगत कराया जाए दोस्तों। तो रेलवे की वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों रेलवे ने कुल मिलाकर अभी 130,000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 130,000 पदों पर जो रेलवे ने वैकेंसी निकाली है दोस्तों, ये कौन कौन सी? एक तो NTPC है, NTPC की वैकेंसी है। इसके अलावा देखा जाए तो पैरामेडिकल स्टाफ की है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में है, और लेवल वन की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट भी, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी इसमें निकाली गई है। तो यहाँ पर NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में, पैरामेडिकल स्टाफ में और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इन तीन कैटेगरीज में मिलाकर कुल 30,000 पद हैं। कुल 30,000 पद इनमें हैं, और इनमें बढ़ने की भी बात हो रही है कि 32,000 तक हो सकते हैं ये बढ़कर। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लेवल वन की जो पोस्ट्स हैं इसमें कुल 1,00,000 पद हैं। तो दोस्तों इंडिया में बहुत बड़ी वैकेंसी ये निकली है, और आपको बहुत अच्छा मौका मिला है अपने जो सरकारी नौकरी की जो डिज़ायर है उसको फुलफिल करने का। तो दोस्तों आपको इसके लिए करना क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों इनके वर्तमान में फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इनकी विभिन्न आप 10वीं परीक्षा से लेकर जिस भी लेवल के आप पोस्ट भरना चाहते हैं वहाँ से, आप PG हैं, UG हैं, या स्नातक आपने किया है, या किसी विशेष विषय में आपने स्नातक किया है, आप ITI होल्डर हैं आदि भी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार के फॉर्म हैं दोस्तों, और मैं यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में भी बता देता हूँ। NTPC से रिलेटेड जो है इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 मार्च से शुरू हो गई थी ये, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो कब? 31 मार्च, मतलब लगभग 5 से 6 दिन और ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस जो NTPC के लिए सबमिशन की आखिरी डेट वो 5 अप्रैल है थी, और अब 12 अप्रैल कर दी गई है। अगला है RRB NTPC एग्ज़ाम डेट। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम कब होगी? तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जो होगी ये हो सकती है जून से सितंबर के बीच ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। RRB इसको कंडक्ट कराएगा दोस्तों, और यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और जो पैरामेडिकल की थी वो 4 मार्च से थी, और यहाँ पर अंतिम तिथि की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर ये 8 मार्च रखी गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार की वैकेंसीज को आप जल्दी से भर लें, और आप जिस भी कैटेगरी को अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी आप जल्दी से यहां पर अप्लाई कर दें, ताकि आपको फिर बाद में परेशान ना होना पड़े, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया लेवल की वैकेंसी है और आपको यहां पर बहुत सारी परेशानियाँ भी आ सकती है। अब दोस्तों ये सब हो गई वैकेंसी की बात। आपको अधिकतम यहाँ पर 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे दोस्तों, अलग अलग फीस जो यहाँ पर ली जा रही है अलग अलग पोस्ट के लिए उनके हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं, स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहते हैं RRB NTPC के लिए, JEE के लिए, लेवल वन के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ इन सब के लिए, तो आप स्टडी विथ GD चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडी विथ GD चैनल को भी आप वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर मैं डेली आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था RRB के इन्फॉर्मेशन के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आपके सुझाव भी मित्रों कमेंट भी में आमंत्रित हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करिए, ताकि जो वैकेंसी अभी तक नहीं भर पाए हैं वे भी इससे अवगत हो जाएं। हमारे चैनल करियर फिजिकल अकेडमी और स्टडी विद GD दोनों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसे ही कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो या फिजिकल से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।